हरापुर नाम का एक गांव था। उस गांव के प्रेसिडेंट का नाम महाबोधि था। वो पुराने ख्यालात का था। वो सुबह सुबह मुंह में तेल डालकर कुल्ला करते हुए ऑयल पुलिंग करता था, तरह तरह के जड़ी बूटियां खाता था। सिर्फ कच्चे सब्जी ही खाता था। एक बार महाबोधि ने गांव वालों को समावेश किया और उनसे, हरापुर के गांव वासियों, आजकल आप लोगों के खाने पीने की आदतें बहुत बदल गए हैं। आप लोग जब चाहे तब चिकन मटन खा रहे हैं, उसके साथ साथ बच्चों को भी पिज्जा बर्गर खाने की आदत डालकर उन्हें बिगाड़ रहे हैं। वैसे भगवान ने हमें क्या खाने का आदेश दिया और हम क्या खा रहे हैं? भगवान ने हमें इस प्रकृति में मौजूद हरियाली को खाने के लिए बोले थे, मगर हम लाल मांस, सफेद अंडे और काले चॉकलेट्स खा रहे हैं। इस वजह से हमारे सेहत के लिए ही नहीं, इस प्रकृति का भी हम कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। जानते हो, एक तरफ सरकार वाले क्लीन एंड ग्रीन कहकर प्रचार कर रहे हैं, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है। इसलिए मैं आज से एक नियम लगाने वाला हूँ। अब से आप लोगों को सिर्फ हरे रंग की चीजें ही खानी होंगी। दूसरे रंग की चीजें अगर खाए तो आप लोगों को हरापुर से बहिष्कार कर दिया जाएगा। इसलिए आज से सभी होटल्स, रेशन के दुकान, चिकन और मटन के दुकान, चाट के दुकान, इन सबको बंद करने का आदेश दे रहा हूँ। अगर कोई मेरे आदेश का उल्लंघन करेगा तो मैं उन्हें अरेस्ट करवा दूंगा, देख लेना। कहा, लोग दंग रह गए। वही मौजूद मटन शॉप मकरंद, इसकी पागलपंती को गोली मारे, मैं पहले ही कर्जों में डूब गया हूँ, अब ये मटन का दुकान भी बंद किया तो मेरा क्या होगा, हे भगवान, यूं सोचा। तब से हरापुर के गांववासी सिर्फ हरे सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ, हरे रंग के फल ही खरीदने लगे। महाबोधि खुद पूरे गांव में घूमकर सब जांच करने लगा। गांव वाले उसे अंदर ही अंदर गाली देने लगे, मगर उसका विरोध नहीं कर पा रहे थे। एक बार मकरंद मटन की दुकान बंद करके घर में उदास बैठा हुआ था। इतने में उसका बेटा बिट्टू वहां पर आकर, पिताजी मुझे एक आइसक्रीम चाहिए, कहकर पूछा। मकरंद गुस्से से, क्यों रे, पूरे गांव वाले बकरियों के जैसे हरी घास खाने लगे तो तुम्हें आइसक्रीम चाहिए क्या? तुम्हें आइसक्रीम खाते हुए उस महाबोधि ने देख लिया तो हमें अपनी जायती घर को भी छोड़कर गांव से भागना होगा, इसलिए वहां पुदीना के पत्ते हैं, उन्हें ही आइसक्रीम सोचकर खाओ जाओ, कहा बिट्टू। तब आप लोग उन्हें देखकर उतना क्यों डर रहे हैं पिताजी? वो महाबोधि बहुत बड़े बुद्धू है, उनका पोता मेरा दोस्त है। कल आप मुझे ग्रीन कलर का आइसक्रीम लाकर दो, अगर वो मुझे कुछ कहेंगे तो आप मुझे मारना, ठीक है? कहा। तभी मकरंद को एक उपाय सुझा। ठीक है, पहले इसके कहे जैसे ट्राई करता हूँ, यूं सोचा। अगले दिन मकरंद और बिट्टू महाबोधि के सामने आए। बिट्टू हरा रंग का आइसक्रीम खाने लगा। महाबोधि उसके हाथ में हरा रंग का आइसक्रीम देखकर, वेरी गुड बेटा, ऐसे ही हरा आहार खाते रहो, कहा। मकरंद यस सोचा। अगले दिन मकरंद ने अपने मटन के दुकान को खोला, मटन काट कर दुकान के सामने लटकाया। और उसपे हरा रंग डाला। इतने में महाबोधि वहां पर आया। महाबोधि, क्यों रे, तुमने फिर से अपना दुकान क्यों खोला, पूछा मकरंद। तब, साहब ये मामूली मटन नहीं है, प्रकृति का दिया हुआ ग्रीन मटन है। इन बकरियों को मैंने नलमल्ला के जंगलों से लाया है, अगर इस ग्रीन मटन को आए दिन खाए तो हमें हजार हाथियों की शक्ति मिलेगी श्रीमान। पता है, पेट में के अंतादियां साफ होकर वो हरे रंग में बदल जाएंगे। उतना ही नहीं, सुना है कि इसी ग्रीन मटन को खाकर थोड़े आदिवासी लोग 300 सालों से जिंदा हैं, इसलिए मैं अपने गांव में इस दुर्लभ मटन को बेच रहा हूँ, कहा महाबोधि। तब, वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया है रे, एक बार वो प्राकृतिक ग्रीन मटन मुझे भी दो, कहा मकरंद। तब, आप तो मटन और चिकन खाना कब का बंद कर दिए थे ना जी, कहा महाबोधि। तब, सेहत के लिए फिर से आदत डाल लूंगा रे, पैसे दूंगा, पहले मटन काट के तो दो, कहा। मकरंद ने ग्रीन मटन को काटा और महाबोधि को मटन दे दिया।
बाद में लोग आकर मकरंद के मटन दुकान के सामने लाइन में खड़े हो गए। एक आदमी, वाह तुमने क्या मस्त प्लान बनाया है भाई, हरी सब्जियां खाते खाते हमारे जुबान पीखे पड़ गए हैं, तुम्हारे एहसान को इस जन्म में नहीं भूलेंगे, 2 किलो मटन दो, कहा। ऐसे मकरंद मटन पे हरा रंग डालकर बेचने लगा। महाबोधि भी आए दिन वो ग्रीन मटन खरीद कर ले जाने लगा। एक बार महाबोधि बीमार पड़ने के कारण हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। डॉक्टर तब, महाबोधि जी जो खाना हमें आदत नहीं है उन्हें खाना नहीं चाहिए, हरी सब्जी खाने वाले आप आए दिन मटन खाने के वजह से आपके अंतड़ियां फूल गए हैं, वैसे गांव वालों के खाने पे नियम रखना भी गलत बात है जी, बचपन से जिन्हें जो आदत है वही खाना चाहिए, ऐसे नियम नहीं रखना चाहिए, समझ आया क्या? महाबोधि तब, सच है डॉक्टर जी, खाने की आदतें अचानक से बदल दिए तो क्या होगा, मुझे अच्छे से समझ आ गया है, अब से गांव वालों को भी सभी चीजें नियमित रूप से खाने का आदेश दूंगा, कहा। ऐसे महाबोधि ने अपने आदेशों को हटा दिया। गांव वाले मकरंद के समझदारी की प्रशंसा किए।